हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबरवेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल के दो मोस्ट यूजफुल ऑप्शंस के बारे में, न्यू विंडो एंड अरेंज ऑल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एमएस एक्सेल की काफी सारी जानकारियां सरल भाषा में दी हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर एमएस एक्सेल का प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में एमएस एक्सेल की सारी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एमएस एक्सेल में एक्सेल के डेटा को कंसोलिडेट कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे एक्सेल में मल्टीपल वर्कशीट पर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास चार या उससे अधिक वर्कशीट हैं और आप उन चारों पर एक साथ काम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर चार वर्कशीट क्रिएट कर रखी है 2018, 2019, 2020 और 2021 के नेम से। अब इन चारों को हम एक साथ कैसे देख पाएंगे और इन चारों पर एक साथ काम कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए एमएस एक्सेल में व्यू टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू विंडो का। अगर आपको चारों वर्कशीट पर एक साथ कार्य करना है या एक साथ देखना है तो उसके लिए आपको न्यू विंडो पर उतनी ही बार क्लिक करना होगा जितना आपने एक्सेल शीट क्रिएट किया है। यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर शो कर रहा है और तीन विंडो 2019, 2020 और 2021 के नेम से हमने बनाया है। यहाँ पर हमें तीन बार न्यू विंडो पर क्लिक करना होगा, एक बार, दो बार, तीन बार। तो हमने यहाँ पर तीन बार क्लिक करके चार विंडो को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर न्यू विंडो के राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अरेंज ऑल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अरेंज विंडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें तीन ऑप्शन यूजफुल है, टाइल्ड, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जैसे ही आप टाइल्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये एक्सेल का जो वर्कबुक है वो आपको चार भागों में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको वही चारों सीट्स रहेंगी। इस ऑप्शन के हेल्प से आप चारों विंडो में चार अलग अलग सीट को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फर्स्ट में 2018, सेकेंड में 2019, थर्ड में 2020 और फोर्थ में 2021 को ओपन कर लिया है। आप एक साथ एक सीट को भी चारों जगह देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि 2018 चारों जगह पे सिलेक्ट किया हुआ है, आप इससे आसानी से एक जगह सारी सीट को देख पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर कुछ डेटा में भी परिवर्तन करते हैं तो आपको ये सारे विंडो में सेम शो करेगा। जैसे फिर से मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं 22 22 22 और इसी तरह 22। इसी प्रकार आप चारों में अलग अलग सीट्स को भी खोल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2020 और 21 सारे को ओपन कर लिया है। अब हम सेकेंड ऑप्शन इस्तेमाल करके देखते हैं, ये है हॉरिजेंटिकल। जैसे आप हॉरिजेंटिकल पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो चारों विंडो है वो हॉरिजेंटिकल खुल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें व्यू इतना अच्छा नहीं आता है जितना आप टाइल्ड वाले ऑप्शन से आप व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन वर्टिकल लगा कर देखते हैं। जैसे आप वर्टिकल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये विंडो वर्टिकल में चार भागों में बट गया है। आप इसमें किसी भी विंडो में कोई भी वर्कशीट ओपन कर सकते हैं और आप चारों में एक जैसे विंडो भी ओपन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर 2018 वाला चारों विंडो में ओपन कर दिया है। इसमें आप काफी आसानी से और बहुत अच्छे से सही तरीके से काम कर पाएंगे। आप इसमें दो सीट को भी खोल सकते हैं, तो इसके लिए आपको दो सीट को यहाँ से कट करके ऑफ कर देना। उसके बाद आप इसे स्लाइडर की हेल्प से आप आराम से इसे स्लाइड कर छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे दो भागों में बांट दिया, अरेंज ऑल और वर्टिकल कीजिए और आपको इस बहुत अच्छे से और सही तरीके से आपको शो करेगा। इस ऑप्शन का यूज आप एक सीट से दूसरे सीट में डेटा को कॉपी पेस्ट करने में या दोनों को एक साथ देखने में आप कर सकते हैं। आपके वर्कशीट में काफी सारे लंबे चौड़े यानी बहुत काफी सारे डेटा फिट है, काफी सारे रो और कॉलम है और आप चाहते हैं उन सारे डेटा को एक साथ देखना, तो आप इस ऑप्शन के हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।